आरसीबी के खिलाफ आया केकेआर का तूफान। कोलकाता ने आरसीबी को उसके घर में पीटा। नारायण वेंकटेश का धमाल, आरसीबी बेहाल। आरसीबी और केकेआर के बीच 10वां मुकाबला आईपीएल सीजन 17 का खेला गया। इस मैच में आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को 183 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में केकेआर की टीम ने आसानी से टारगेट को हासिल कर लिया। केकेआर को ओपनर्स ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। फिल सॉल्ट 30 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। वहीं सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ अंदाज में 47 रन ठोके। कप्तान श्रेयस अय्यर 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। वेंकटेश अय्यर ने भी 50 रनों की शानदार पारी खेली। चलिए आपको बताते हैं केकेआर और आरसीबी के बीच हुए इस मुकाबले का पूरा स्कोर कार्ड और पूरी मैच रिपोर्ट। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए और कोलकाता के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 59 गेंदों में 83 रन बनाए। वहीं कैमरन ग्रीन ने भी 21 गेंदों पर 33 रन बनाए। इसके अलावा मैक्सवेल ने भी साथ दिया और उन्हें अच्छा स्टार्ट भी मिला, लेकिन वो 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर से गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा ने 39 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाए। वहीं आंद्रे रसेल ने भी 29 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए। सुनील नारायण थोड़ा महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने 40 रन खर्च करते हुए एक सफलता भी हासिल की। वहीं जब टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसे ठोस शुरुआत मिली। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी का आगाज किया। वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं सुनील नारायण ने 22 गेंदों पर 47 रन ठोक करके आरसीबी को पूरी तरह से मैच में पीछे धकेल दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी आखिर में आकर के 24 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की पारी खेली और कोलकाता नाइट राइडर्स ने केवल 16.5 ओवर में ही 186 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी करते हुए मयंक डागर ने 23 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की। वहीं यश दयाल ने 46 रन खर्च कर डाले और एक ही विकेट उन्हें भी मिला। मोहम्मद सिराज विकेटलेस रहे और उन्होंने 46 रन भी लुटा दिए। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में अब केकेआर की टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।